इस नज़्म का। अब आइए चलते हैं हम दुबई से। अभी आपने दबिस्ताने रामपुर को भोपाल, वो जो नवाबों का शहर है, वो जो बेगमात का शहर है, वो जो प्राचीन मंदिरों का शहर है, वो जो कदीम मस्जिदों का शहर है, वो जो झीलों का शहर है, वो जो तालाबों का शहर है, वो जो सनौर वाली चाय का शहर है, वो जो पान की गिलोरियों वाला शहर है, वो जो कैद भोपाली जैसे अलबेले शहर वाला शहर है, वो जो अंजुम रहवर जैसी बेबाक शहर वाला शहर। 10 जुमले उस शहर के लिए कह दिए तो 4 जुमले उस शायरा के लिए मैं कह दूं। महादेवी वर्मा की फिक्र, अमृता प्रीतम का इश्क, रतुल हैदर की अफसानवियत, परवीन शाकिर का तहजुब, ये चारों अनासिर यारवा एक साथ मिल जाए तो सिर्फ एक नाम काफी है, अंजुम रहबर। मैं इन चारों लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर वो मेरी बहन कह सकती है कि ये तुमने चारों जुमले तो बाहर के लिए, मेरा क्या है, लेकिन उनका ये है कि गजल नाम है अंगारे को रेशम की डोर में बांध के हवा में घुमाने का, लेकिन वो जब जमीन पे गिरे तो शहर में चराहा तो किसी के दामन पे आँच ना है। और इस एहतियात के साथ जिंदगी को शायरी और शायरी को जिंदगी बनाने वाली शायरा, जैसे आसमान के पास सिर्फ एक चांद है, ऐसे ही हमारे मुशायरों में सिर्फ एक अंजुम रहकर है। मिलना था इतफा, बिछड़ना नसीब, 40 साल पहले वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था, दफना दिया गया मुझे चांदी की खबर में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब। जश्न आजादी का ये खूबसूरत मुशायरा, देखे मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगी कि उनका एक दायरा है, उसने जो भी कहा वहीं तक सीमित है। मैं यहाँ से बोलूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मुशायरे की तहजीब नहीं है। खूबसूरत महफिल सदर मोहतरम मोहतरम मासिम साहेब, अब्दुल्ला साहेब और मेरे तमाम शोरा इकराम, वो दुबई के सभी मौसे सामीन, आखिर में मुझे बुलाया है, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती हूँ। ये अलग बात है कि मुझे 45 साल हिंदी उर्दू मंचों पर जाते हुए हो गए हैं। ये तो हमारे सलाहुद्दीन साहिब की मोहब्बत है कि जब भी मुझे फोन देते हैं तो मैं हाजिर हो जाती हूँ। चार मिसरे सुनाती हूँ, मुशायरा बहुत खूबसूरत हुआ है और मैं कहती हूँ कि सलाहुद्दीन साहब के बहुत सारे मुशायरों में बहुत भारी है ये मुशायरा, कामयाब मुशायरा है। यहाँ जहाँ पर सिर्फ शायरी सुनाई गई है आज मुशायरे में खास तौर से, वरना मुशायरों के हालात तो क्या है आप सब समझते हैं। खैर ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मैं चार मिसरे सुनाती हूँ, इससे अंदाजा लगाऊंगी कि मुझे कितनी देर तक अपनी शायरी आप सबको सुनानी है। एक बार सरसर दुआओं से नवाज आपके सारे मंजर बदल गए होंगे, सारे मंजर बदल गए होंगे, आप हद से गुजर गए होंगे, आप हद से निकल गए होंगे, आप शबनम से जल, हाथ शबनम से जल गए, हाथ शबनम से जल। आप खुलकर दाद दे ये लाता, लेकिन एक दायरा बनाकर चले, मैं माफी चाहती हूँ। हाथ शबनम से जल गए होंगे, चार मिसरे और सुनाती हूँ। दिल की किस्मत बदल ना पाएगा, दिल की किस्मत
बदल न पाएगा, दिल की किस्मत बदल न पाएगा, बंधनों से निकल न पाएगा, तुझको दुनिया के साथ चलना है, तू मेरे साथ चल पाएगा। शुक्रिया। चार दूसरे और सुनाओ, पीछा सब देते रहिए, आखिर में मुझे बुलाया है तो थोड़ा मेरी इज्जत रख लीजिए। इरशाद। गम की उलझी हुई लकीरों में, मैं प्योर शायरी सुनाना चाहती हूँ आज। अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। अच्छा था ये, क्या हुआ तो? तेरी तस्वीर लेती हूँ। अरे तू बहुत आज डर भी लग रहा है कि कुछ समय हमारे बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, कब क्या फैसला कर दें। खैर चलिए, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब मेरे अपने हैं। एक मौका दो शेर। हमसे दिल प्यार का इजहार किया है तुमने, 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 ये तमाशा तो कई बार किया है तुमने, ये तमाशा तो कई बार किया है तुमने। और अब एक इसका शेर है, देखिएगा तो वही मैं पढ़ सकती हूँ। रोज जाते हो आयादत के लिए रहूं की, रोज जाते हो आयादत के लिए रहूं की, रोज जाते हो मुझको तरकीब से बीमार किया है तुमने, मुझको तरकीब से बीमार किया है तुमने, ये तमाशा तो कई बार किया है तुमने। इसके बाद एक गज़ल के चार शेर और सुनाती हूँ। एक मौका